थाउजेंड समोसा कुकिंग। मलकापुर नाम के गांव में मल्लेश यादव नाम का समोसा का व्यापारी रहता था। वो अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगा। एक लड़की के घर रिश्ते के लिए जाकर, आप तो जानते ही हैं कि मैं इस गांव में सबसे नामचीन समोसा व्यापारी हूँ। अपने हाथों का समोसा खाने के लिए उस खुशकिस्मत को मलकापुर में पैदा होना चाहिए। ऊपर से हमारे समोसे की खासियत उसका अनूठा फार्मूला है जो खास तरीके से बनाते हैं। वो हमारे फैमिली का बिजनेस सीक्रेट है, वो हम किसी को नहीं बताएंगे। हमारा धंधा रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। ऐसे मौके पर मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने लोग ही बिजनेस में मेरा हाथ बटाएं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से हो जो समोसा बनाना जानती हो। अगर बहू भी समोसे बनाने वाली मिल जाए तो हम फ्रेंचाइजी भी खोल सकते हैं ना। हमारा ट्रेड सीक्रेट भी हम में ही हिफाजत से रह जाएगा। ऐसे कहकर लड़की को देखकर, लड़की बड़ी सुशील है, क्या ये समोसा बनाना जानती है? ये सवाल करते ही लड़की के पिता झूठा जोशी अपने मन में, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, अब अगर ये कहा कि लड़की समोसा बनाना नहीं जानती है तो रिश्ता टूट जाएगा। बड़ों ने कहा है कि एक शादी करने के लिए हजार झूठ बोलना भी जायज है, मैं तो बस एक ही झूठ बोलने वाला हूँ। वो ऐसा है कि हमारी बेटी मानो बिल्कुल आपके परिवार के लिए ही बनी है। वो समोसे बनाए तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो अकेली 100 आदमियों के लिए खाना बना सकती है। वो समोसे में मसाला भरकर तेल में तले तो बस यूं समझो कि मुंह में पानी आ जाए। जो एक समोसा खाने के इरादे रखें वो 10 खा जाएं। इस तरह आपका समोसा का बिजनेस भी 10 गुना बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस तरह झूठा जोशी झूठ पे झूठ बोलकर अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से उस समोसे वालों के घर में कर दिया। मल्लेश की पत्नी महिमा बाई अपने पड़ोस की औरतों को बुलाकर अपनी बहू को दिखाते हुए, देखो बहन, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरी बहू है, पर सुंदरता में और सुशीलता में उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारी बहू जैसी दूसरी आपको आसपास की प्रांतों में दूरबीन लगा करके देखो तो भी ना मिले। हमारी बहू साक्षात महालक्ष्मी है। यूं तारीफ के पुल बांधते हुए, अब नवरात्रि आ रहे हैं ना, तो हम हजार समोसे का व्रत रख रहे हैं, आप सब जरूर आना। ये सुनकर वो औरतें गाल पर हाथ रखकर, हमने 100 बाती और हजार बाती दिया की व्रत को सुना है, पर ये हजार समोसे के व्रत क्या है? ऐसा व्रत के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना। ये पहली बार है बहन जी, ये नेवर बिफोर एवर आफ्टर व्रत है। वैसे भी हम इस प्रांत के सबसे बड़ी मशहूर व्यापारी है, तो हम जो भी करेंगे वो समोसे के साथ ही होगा ना। आसपास की पड़ोस की औरतें, ये तो बड़ी अच्छी बात है बहन जी, आप वो व्रत रखिए, उसे कैसे करते हैं देखकर हम भी अपने बहुओं से वैसे ही व्रत रखवाएंगे, हम भी धन्य हो जाएंगे। हम वेट कर रहे हैं बहन जी वो व्रत देखने के लिए। तब महिमा बाई ने बहू को बुलाकर, आओ बेटा दाक्षायणी, अभी अभी इन सब से तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तुमसे हजार समोसे का व्रत रखवाना चाहती हूँ, तुम जाकर फटाफट हजार समोसे बनाने के लिए काम में लग जाओ, मैं जाकर 1000 सुहागनों को बुलाकर लाती हूँ। ये सुनते ही दाक्षायणी का कलेजा मुंह को आ गया, उसके हाथ पांव ठिठुरने लगे। क्या करें, कुछ समझ न पाकर हजार समोसे कैसे बनाएं ना जान पाकर अपने पिताजी झूठा जोशी को फोन लगाया। पिताजी, हजार समोसे का व्रत कह रही है सासू माँ, कहती है कि मैं हजार समोसे बनाऊं, तुम तो जो मुंह में आओ कह देते हो, झूठ पे झूठ बोलकर मेरे शादी की अब मेरी जान पर बनाई है, मैं नहीं जानती हूँ तुम अब क्या करोगे, मुझे हजार समोसे चाहिए। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं हूँ ना, तो सिर्फ हजार समोसे के लिए क्यों टेंशन लेती हो, शांत हो जाओ बिटिया रानी, मैं संभाल लूंगा। कहकर गांव में समोसा बनाने में माहिर अपनी बूढ़ी दादी को लेकर मल्लेश यादव के घर आया। क्यों समधी जी, सुना है कि हजार समोसे का व्रत रखा है, आप जो भी करते हैं वो बिल्कुल निराला होता है। ये जो दादी हैं, ये मेरे चाचा के दामाद के ताई हैं, मेरी बेटी को बहुत चाहती हैं, वो बेटी से मिलना चाहती थी, मैंने सोचा ये व्रत में भी हाथ बटाएंगी, इसीलिए दाक्षायणी से मिलाने ले आया। ये भी कोई कहने की बात है समधी जी, बड़े होते ही हैं कि ऐसे काम को सही तरीके से कर सकें। जाइए माता जी, हमारे बहू का हाथ बटाइए। कहते ही
बुढ़िया अंदर गई और दाक्षायिनी से, अरे बेटा तुम बस यूँ करची को पकड़कर ऐसा वैसा हिलाते रहो और एक्टिंग करते रहो, बाकी काम मैं संभाल लूँगी। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, साथ साथ मैं जैसा कर रही हूँ तुम देखो और सीखो, इस बार मैं हूँ बच जाओगी, पर बार बार ऐसा किया तो पकड़े जाएंगे, बेटा ध्यान रहे। कहकर थोड़ी ही देर में हजार समोसे बना दिया। ये देखकर मल्लेश और महिमा, अरे वाह हमारी बहू तो बड़ी होशियार निकली, इतना बढ़िया बनाया है, कहकर तारीफ करने लगे। उनका हजार समोसे वाला व्रत बहुत ही बढ़िया संपन्न हुआ। जो लोग व्रत में आए थे, सही बहू को ले आए हैं समोसे वाले, कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। 1000 आइसक्रीम्स। मार्कापुर नाम के गांव में रमेश और महेश नाम के दो दोस्त रहते थे। रमेश बहुत अमीर था लेकिन महेश बहुत गरीब था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रमेश चालबाज था लेकिन महेश बहुत अच्छा लड़का था। एक दिन दोनों स्कूल जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें कुछ पैसे मिले। महेश ने उसे उठा लिया। यार बेचारा कोई पैसे गिराकर चला गया, टीचर को कहकर उसे लौटा दे। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हम टीचर को देंगे तो वो खुद खर्च कर देगी, इसे हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। अब से हम दोनों को कुछ भी मिले तो ईमानदारी से एक दूसरे को बताना चाहिए, दोनों मिलकर उसका उपयोग करेंगे, ठीक है? तुम मुझसे वादा करो। ठीक है यार, मैं इन पैसों से नोटबुक खरीद लूंगा, नोटबुक खरीदने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है यार, कहकर उसने वादा किया। एक दिन महेश को रास्ते में एक गेंद दिखाई दिया। वो गेंद लाकर उसने रमेश को दिखाया। अरे वाह ये गेंद तो बहुत बढ़िया है, मुझे खुशी है कि तुम अपने बात पर टिके रहे, हर रोज हम दोनों इसके साथ खेलेंगे, ठीक है? यूं दोनों उस गेंद के साथ हर रोज खेलने लगे। एक दिन रमेश को एक कार का खिलौना मिला, उसे उठाते हुए रमेश, अरे वाह क्या बढ़िया खिलौना है, महेश को इस खिलौने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वो कहेगा मुझे भी चाहिए, इसे मैं ही छिपा कर रखता हूँ, उसे इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, कहकर उसे छिपा दिया। यूँ दोनों बड़े हुए। रमेश ने एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की और उसे चलाने लगा। लेकिन महेश अपने पिताजी की ही तरह मंदिर के पास नारियल बेचने लगा। जब भी मौका मिलता था रमेश महेश की खिल्ली उड़ाता रहता था। एक दिन रमेश कार में मंदिर पहुंचा। वो महेश से, एक बढ़िया सा नारियल देना यार, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर मुझे 100 करोड़ वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो मैं नारियल फोड़ूंगा, मुझे वो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सब भगवान की कृपा है इसीलिए मंदिर आया हूँ यार। अरे कंग्रेचुलेशंस यार, मैं जानता हूँ यार कि तुम जो कुछ करते हो उसमें तुम कामयाबी हासिल करते हो, ऑल द बेस्ट यार, ये लो नारियल, अब पैसे की जरूरत नहीं है। क्यों भाई तुम मुफ्त में दोगे पर मैं लेने के लिए तैयार थोड़ी हूँ। अरे मुझे देखो यार, मेरी हैसियत देखो, वैसे ये नारियल बेचकर कितना कमा लेते हो यार तुम, तुम मेरे पीए बन जाओ, महीने का 50,000 रुपए दूंगा। अरे यार मैं जानता हूँ कि तुम बहुत धनवान हो, ये तो अपने दोस्त के लिए प्यार था जो मैंने कहा मुफ्त में ले लो। अरे इसका तुम बुरा ना मानना यार, मैं जो थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ उसी में खुश हूँ यार। अरे दोस्तों में ये नौकरी वोकरी नहीं आनी चाहिए यार, दोस्ती में दरार पड़ जाती है। कल अगर मैं तुम्हारा पीए बनकर तुमसे तू तड़ाके से बात करूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा यार, इसीलिए मैं उस नौकरी के लिए मना कर रहा हूँ। एक दिन महेश जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि उसे एक आइसक्रीम मशीन दिखाई दी। अरे ये क्या, लगता है ये कोई आइसक्रीम मशीन है, इसे यहाँ कौन छोड़कर चला गया, पता नहीं ये काम करता भी है कि नहीं। बेटा मैं एक जादुई आइसक्रीम मशीन हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, तुम जितने आइसक्रीम की फरमाइश करोगे मैं उतने आइसक्रीम देता रहूँगा, अगर चाहो तो एक आइसक्रीम की मांग करो। तब महेश ने तुरंत, मुझे एक वनीला आइसक्रीम चाहिए, तुरंत उस मशीन में से वनीला आइसक्रीम प्रकट हुआ। उस आइसक्रीम को खाकर महेश बहुत खुश हुआ। एक बात का ध्यान रहे बेटा, मैं जो आइसक्रीम दूं उसे खर्च कर देना होगा, अगर वो वेस्ट हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, अगर तुम्हें तसल्ली हो तभी मुझे यहाँ से ले जाना।
मुझे भी वस्तुओं को वेस्ट करना पसंद नहीं है। मेरा धंधा भी कुछ खास नहीं है। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी मदद से मैं एक आइसक्रीम की दुकान खोलूंगा और पैसे कमाऊंगा। पर मैंने अपने दोस्त से वादा किया है कि जो भी मुझे मिलेगा मैं उसे जरूर बताऊंगा। मैं उसे बताऊंगा और उसके अनुमति के साथ ही मैं धंधा शुरू करना चाहता हूँ। ऐसा करना क्या तुम्हें मंजूर है? बेटा, मेरे द्वारा अगर तुम्हें लाभ होता है तो मुझे खुशी होगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम मुझे ले जा सकते हो। यूं महेश वो मशीन लेकर रमेश के पास गया। जो कुछ हुआ उसे बताया। क्या ये जादुई आइसक्रीम मशीन है, है? तुम चाहते हो कि मैं उसका विश्वास करूं, है? ये कुछ भी हो इससे मुझे क्या? तुम्हें याद है ना कि जो कुछ तुम्हें मिलेगा उसमें आधा मेरा है। तुम चाहते हो कि तुम आइसक्रीम मशीन से धंधा करो और मैं चुपचाप बैठा रहूं? ये सब नहीं चलेगा, तुम इसे यहाँ छोड़कर जाओ। अरे यार, तेरे पास इतने सारे पैसे तो हैं, तुम कितना कमाते हो? मेहरबानी करके मुझे पैसे कमाने दो यार। ए, मैं कह तो रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? उस मशीन को यहाँ छोड़कर चले जाओ, कल आकर उसे ले जाना। एक दिन तुम्हारे पास और एक दिन मेरे पास रहेगा ये मशीन, समझे? अब तुम यहाँ से जाओ, ऐसा कहा उसने चिढ़कर। उसके जाने के बाद रमेश, क्या तुम जादुई आइसक्रीम मशीन हो, है? वो कहे और मैं भरोसा कर लूं? चलो एक आइसक्रीम दो। अरे रुको रुको रुको, एक क्यों? अरे 1000 आइसक्रीम दो, अब तुम कहाँ देने वाले हो? बस उस मशीन से आइसक्रीम निकलने लगे। ये देखकर रमेश हैरान हो गया। सारा कमरा कई किस्म के आइसक्रीम से भर गया। उसने वो खाना शुरू किया। थोड़े आइसक्रीम खाने के बाद हाय रे, पेट भर गया, अब मैं और नहीं खा सकता, अभी आइसक्रीम देना बंद करो, आइसक्रीम देना बंद करो, ऐसे चिल्लाने लगा। अरे मशीन, बस बंद करो, रुक जाओ, रोको। अब रुकना मुमकिन नहीं है, अगर इसमें से एक भी आइसक्रीम वेस्ट किया तुम मेरे हाथों मरोगे। खाओ, सब चुपचाप खाओ। मरता क्या ना करता, वो आइसक्रीम खाने लगा। आइसक्रीम खा खा कर उसे सर्दी जुकाम हो गया। यूं खांसता हुआ और छींकता हुआ वो आइसक्रीम खाते खाते बेहोश होकर गिर गया। फिर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। महेश ने उस मशीन के साथ आइसक्रीम का दुकान खोला और खुशी खुशी जीने लगा। फुल फ्राइड चिकन। कंचन बाग नाम का एक गांव था, वहां हरि और किशन नाम के दो चिकन के व्यापारी थे। दोनों के दुकान आमने सामने थी। किशन के दादा के जमाने से ये धंधा चल रहा था तो उसका काम तेजी से हो जाता था, पर क्योंकि हरि ने नया नया काम शुरू किया था तो वो ठीक से चिकन को भी नहीं काट पाता था। इसका लाभ उठाकर किशन हरि के खिलाफ लोगों के कान भरने लगा। इस तरह हरि के पास लोगों का जाना कम हो गया। इतना ही नहीं, कुछ मुर्गियां भी मरने लगे तो हरि का काफी नुकसान हुआ। एक दिन किशन हरि से, क्यों हरि, सुना है तुम्हारी मुर्गियां मर रही हैं? मुझसे मुकाबला करना छोड़ो, चिकन की दुकान बेच दो और कोई और धंधा शुरू कर लो, या फिर मेरे मुर्गियों के पंख उखाड़ने का काम करो, महीने के 1000 रुपए दूंगा। ये बात सुनकर हरि वहां से दुखी होकर चला गया। हरि अपने घर पर दुखी होकर बैठा था। उसकी पत्नी नीरजा वहाँ आई। ए जी, दो और मुर्गी मर गए। सब मेरा नसीब है, क्या करूं, उसे नाले में फेंक दो। तब एक मुर्गा हरि के पास आया। मुर्गा हरि से, अरे पगले, वो तेरा नसीब नहीं, तेरी मूर्खता है। उसकी बात सुनकर हरि और नीरजा दोनों हैरान हुए। ये क्या, तुम इंसान की तरह बोलते हो? मैं पिछले जन्म में इंसान था, इतना ही नहीं, एक बढ़िया शेफ था। एक चिकन शॉप चलाते हुए चिकन के नए नए वैरायटी आइटम्स बनाकर बेचता था। तुम्हारे पति को देखो, उससे चिकन भी ठीक से नहीं काटा जाता। क्या करूं, आदत नहीं है ना।
अरे मूर्ख, अकल के अंधे, मैं तुम्हें जान गया हूँ। मैं एक आइडिया बताता हूँ, सुनो। जब तक तुम चिकन को काट कर बेचना सीखोगे, सारी मुर्गियाँ मर जाएंगी, तब उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो भूत बनकर तुम्हें सताएंगे। इसीलिए फुल फ्राइड चिकन बनाओ, तब इस गांव में नया आइटम लॉन्च होगा और मुर्गी भी जल्दी बिकेंगे। अगले दिन हरी ने फुल फ्राइड चिकन रखा। उसे देखकर किशन, क्यों भाई, कोई नया प्रयोग कर रहे हो क्या भाई? पैसे पेड़ में उग रहे हैं क्या? अगर है तो मुझे भी थोड़े पैसे उधार दे दो। तब किशन के दुकान पर आए एक कस्टमर ने हरी के पास फुल फ्राइड चिकन को देखा और वहां चला गया। तब वो, हरी ये आइटम तुमने कहाँ से सीखा? ये बड़े बड़े शहरों के स्टार होटलों में ही मिलता है। मुझे एक देना, अगर अच्छा हुआ तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। तब हरी ने उसे एक फुल फ्राइड चिकन दिया। वो उसे घर ले जाकर अपने परिवार के साथ खाया। सबने उसकी खूब तारीफ की। ये बात गांव भर में फैल गई। तब सब हरी के फुल फ्राइड चिकन के लिए उमड़ने लगे। धीरे धीरे किशन के दुकान पर लोगों का जाना कम हो गया। किशन अपने मन में, इस हरी ने मेरे धंधे को ठप कर दिया है, जाकर उसके मुर्गियों का नाश करना ही ठीक होगा, यूं सोचकर हरी के घर गया। अब घर के बाहर हरी और मुर्गा बैठकर बात कर रहे थे। उसे देखकर किशन अपने मन में, अच्छा तो ये बोलने वाला मुर्गा है जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है, देखते जाओ आज इस मुर्गे का क्या करता हूँ मैं, यूं सोचकर हरी अंदर चला गया। तो उस मुर्गे को पीछे से पकड़कर किशन, क्यों रे मुर्गे, हरी को फुल फ्राइड चिकन की बात तुम ही ने बताया, मुझे भी कोई व्यंजन सिखाओ, उससे उस हरी का धंधा ठप हो जाएगा, उसे कंगाल हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पक भून कर खा जाऊंगा। तब मुर्गा अपने मन में, अरे तू तो केवल मनुष्य है, तुम मुझे वार्निंग देता है, मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, यूं सोचकर किशन से, अरे जब मैं इंसान था तो एक देश में मैंने एक पकवान देखा, वो ऐसा है कि मुर्गे को काट कर गंदे पानी में भिगोकर तो बहुत बढ़िया होता है। तब किशन ने उस मुर्गे को छोड़कर मुर्गियों को गंदे पानी में भिगोने लगा। मुर्गे ने हरी से ये बात कहकर वीडियो निकलवाया, उसे गांव वालों को उसने फॉरवर्ड किया और हरी ने वायरल किया। अगले दिन किशन ने उन मुर्गियों को दुकान पर रखा तो वहां पुलिस और गांव वाले आए। लोगों ने किशन को खूब मारा। पुलिस ने किशन को वो वीडियो दिखाकर उसे अरेस्ट किया। तब वो मुर्गा, क्यों किशन, देखा मुर्गे ने क्या कैसा बकरा बनाया? अगले दिन से हरी अपने इच्छा अनुसार अपने दुकान में फुल फ्राइड चिकन बनाता हुआ बेचने लगा। मैजिकल डोसा मशीन। रघुराजपुर नाम के गांव में रामविलास नाम का एक डोसा बनाने वाला रहता था। उसके बनाए हुए डोसा खाने के लिए लोग कारों में आते थे। एक दिन एक धनवान व्यक्ति कार में आया। राम, चार पनीर डोसे बनाकर भेजना, तुम जानते हो ना कि मुझे क्या पसंद है, एकदम बढ़िया होना चाहिए। हाँ, मैंने अपने दोस्तों से तुम्हारी खूब तारीफ की है और उन्हें लेकर आया हूँ, अब मेरी इज्जत बचा लो। ये सब किसी फाइव स्टार होटल में जाकर खाना चाहते थे, लेकिन मैं इन्हें यहाँ लेके आया ये कहकर कि भाई राम के ठेले पर बहुत बढ़िया डोसा मिलता है, जरा जल्दी से बढ़िया डोसा बनाओ और ले आओ। बिल्कुल साहब, मैं आपके बात को सच साबित करके दिखाऊंगा, आपके दोस्त भी कहेंगे वाह क्या डोसा है, वो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे कहेंगे ऐसा डोसा हमने पहले कभी नहीं खाया, कहकर बढ़िया डोसे बनाए और उन्हें ले जाकर दिया। उसके दोस्त डोसा खाते हुए, अरे वाकई यार तुमने सच कहा था, ये डोसा तो बहुत ही बढ़िया है, काफी स्वादिष्ट है। अरे भाई राम, तुम किसी फाइव स्टार होटल में चले गए तो तुम्हें लाखों रुपए तनख्वाह देकर रख लेंगे। अरे तुम लोग क्या समझते हो कि राम अभी लाखों रुपए नहीं कमाता है, वो इस डोसे के ठेले में लाखों रुपए कमा रहा है।
तब उस धनवान के दोस्त, अरे वाह, तब तो इसका धंधा अपने धंधे से बढ़िया है यार। मुझे लगता है कि हमें भी यूं तनख्वाह के लिए काम करने से अच्छा ऐसा डोसा मंडी लगाकर खूब पैसे कमाना ठीक रहेगा। अरे तुम यूं पैसे कमा रहे हो तो अपने परिवार की देखभाल भी तो अच्छी तरह करते होगे। अरे यार, इस रामविलास ने तो अभी तक शादी नहीं की, वो अब तक ब्रह्मचारी है। ये क्या बात बनी राम, इतने पैसे कमाते हो, अरे खुशी से शादी करके बाल बच्चों के साथ रह सकते हो ना। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? साहब, मेरी शादी नहीं हुई पर मेरे बच्चे हैं। ये सुनकर उस धनवान के दोस्त हैरान हो गए। क्या कह रहे हो, बिना शादी के बच्चे? ये तो अजीब बात है, माजरा क्या है जरा हमें भी तो बताओ, वरना हमारे दिमाग पता नहीं उल्टा सीधा चलता रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है साहब, मैं एक अनाथालय चलाता हूँ। ये डोसा बेचकर जो कमाई होती है उससे मैं उन अनाथों को पालता हूँ सर, और उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखता हूँ। ये डोसा उन्हीं के लिए बेचता हूँ साहब। मेरे आश्रम में तकरीबन 1000 बच्चे हैं, कभी कभी उनके खाने के लिए देर हो जाती है साहब, यहीं से उनके लिए खाना भेजता हूँ। लेकिन मुझे अकेले को उन सबके लिए डोसा बनाकर देना पड़ता है, मुझे इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है साहब। लेकिन मुझे ये चिंता लगी रहती है कि मेरे बाद इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। अरे राम, तुम तो काफी दिलदार निकले यार, तुम चिंता करना छोड़ दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक मैजिकल डोसा मशीन भेजता हूँ, हमारे कंपनी ने हाल ही में उसका डिजाइन बनाया है। तुम्हें यूं घंटों चूल्हे के सामने खड़ा होकर डोसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें उसमें आटा डालना होगा, उसमें से ऑटोमेटिक डोसा निकलते जाएंगे। मैं वो मशीन कल ही तुम्हें भेजता हूँ। कहकर उसने राम के लिए वो मशीन अगले दिन भेजा। वो मशीन फिट करने के लिए वहाँ मुन्ना नाम का व्यक्ति आया। अरे भाई राम, भाई तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई यार, वरना लाखों रुपए की कीमत वाली ये मशीन को तुमने मुफ्त में ही मार लिया। भाई किस्मत हो तो तुम्हारी जैसी। ठीक है, ये मशीन मैं फिट करके दे रहा हूँ ना, तो मुझे क्या दोगे? बताओ बताओ मुझे क्या दोगे? अरे इसमें क्या है, मैं आपको बढ़िया सा डोसा बनाकर दूंगा, ऐसा डोसा आपने कहीं और नहीं खाया होगा। तब मुन्ना अपने मन में, अरे तुम्हारे ये घटिया डोसा किसको चाहिए, 50 लाख रुपए की कीमत वाली मशीन में फिट करके दे रहा हूँ और तुम मुझे 50 रुपए का डोसा दे रहे हो? रुको रुको, मैं अभी बताता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि ये मशीन तुम्हारे काम ना आए। कहकर उस मैजिकल डोसा मशीन का सेटिंग को बिगाड़ दिया। बस उस मशीन से जले हुए डोसे निकलने लगे। उसे देखकर रामविलास, ये क्या भाई, ये जले हुए डोसे क्यों निकल रहे हैं? बच्चे ऐसे डोसे नहीं खा सकते और आटा भी वेस्ट हो जाएगा, अब क्या करें? अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये मशीन नहीं है ना, इसीलिए यूं जले हुए निकल रहे हैं। अब देखते जाओ, 2 दिनों में बढ़िया डोसा निकलने लगेंगे, अगर तब भी ठीक ना हो तो मुझे फोन करके बताना। अरे भाई तुम मेरा ठीक से ख्याल रखो, अगर रखते तो तुम्हारे यूं डोसे जलते नहीं। जरा सोचो समझो और मेरा ख्याल रखो, बस। कहकर वहां से चला गया। अगले दिन वो धनवान इसके पास आया और, क्यों रामविलास, ये नई मशीन कैसे चल रही है, तुम्हारी तकलीफ कम हुई कि नहीं? अच्छे डोसे आ रहे हैं ना? ठीक है, तुम्हारे डोसा जितना स्वादिष्ट तो होगा नहीं, पर फिर भी काम तो चल जाएगा ना? नहीं साहब, सब जले हुए डोसे निकल रहे हैं। पूछने पर मैकेनिक ने कहा कि नई मशीन है, ऐसे ही जलेगी। ये सुनकर धनवान ने मुन्ना को फोन किया और, क्यों रे मुन्ना, तुम कभी नहीं सुधरोगे, कमीने, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल देता हूँ। कहकर उसे नौकरी से निकाल दिया और, चलो राम मैं वो मशीन देखता हूँ। कहकर उसने मशीन को जांचा और उनके सेटिंग को बदल दिया तो बढ़िया डोसे निकलने लगे। उस डोसा को खाकर राम, साहब ये डोसा तो बहुत बढ़िया है, काफी स्वादिष्ट भी है सर, मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैजिकल पानी पूरी मशीन। एक गांव में गंगाधर और सविता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी बेटी और दामाद की मौत हो जाने के कारण उनके पोते मनु की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी। एक दिन गंगाधर चिंतित होकर बैठा था। क्यों जी, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो?
क्या करूं सविता, बूढ़ा हो चला हूं, मेहनत करके खेती बाड़ी मुझसे नहीं किया जाता, मुझे तो सिर्फ मनु की चिंता लगी रहती है। समझ में नहीं आता कि उस जग्गू भाई से जो उधार लिया है उसे कैसे चुकाएं। तुम चिंता ना करो जी, पैसे कमाने का तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ, कहकर उसने गंगाधर से कुछ कहा। वाह सविता, ये तो तुमने बहुत अच्छी राय दी है। अगले दिन गंगाधर और सविता मिलकर ठेले में पानीपुरी बेचने लगे। उनके पानीपुरी का स्वाद बहुत अच्छा होने के कारण दूर दूर से लोग आकर उसके पास पानीपुरी खाने लगे। इनके दुकान खोलने के एक घंटे के अंदर ही उनका सारा पानीपुरी बिक जाता था। फिर पानीपुरी खाने आए लोग निराश होकर लौट जाते थे। एक दिन सविता, क्यों जी, हमारा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है ना, दुकान खोलने के एक घंटे के अंदर ही सारा पानीपुरी बिक जाता है। भगवान, इसी बात की तो मुझे चिंता है, आधे से ज्यादा लोग बिना पानी पूरी खाए वापस लौट जाते हैं, हम उन्हें पानी पूरी खिला नहीं पा रहे, हम दोनों बूढ़े हो चले हैं, जहाँ तक हो सके हम काम तो कर रहे हैं, हमारी भी वही हाल है जो स्त्री वालों का है, उनके पास स्त्री करने के लिए बहुत सारे कपड़े होते हैं, वो दिन भर के मेहनत के बाद भी थोड़े से कपड़े ही स्त्री कर पाते हैं, हम भी वैसे ही हैं, भगवान के दिए इस मौके को हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तुम सच कह रहे हो जी, पर मेहनत करने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं। मनु ये सब बातें सुन रहा था। अगले दिन मनु स्कूल नहीं गया, वो चिंतित होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक साधु मनु के पास आया। इस छोटी सी उम्र में तुम्हें क्या परेशानी हो गई है बेटे? तब मनु ने साधु से अपने नाना नानी की सारी बातें बताई। इस उम्र में मेरे नाना और नानी मेरे लिए बहुत सारी तकलीफें उठा रहे हैं। स्वामी जी, मैं चाहता हूँ कि उनकी तकलीफें जरा कम हो, पर बहुत सोचने पर भी मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तब साधु ने हवा में हाथ घुमाया और एक मैजिकल पानीपुरी मशीन को प्रकट किया। इससे तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी बेटा। मनु ने साधु को प्रणाम किया। फिर मनु ने सविता और गंगाधर को वो पानी पूरी मशीन दिखाया। उस मशीन में चार नल थे। पानी पूरी को उस मशीन के नीचे रखते ही उन नलों से अलग अलग किस्म के पानी गिरने लगे। ये सब देखकर गंगाधर और सविता बहुत हैरान हुए। उन्हें ये देखकर बहुत गर्व हुआ कि मनु उनके बारे में इतना सोचता है। इस मैजिकल पानी पूरी मशीन के आने से उनका धंधा भी खूब चल पड़ा। गंगाधर के पूरी को मशीन के ऊपर रखते ही वो पूरी नल के नीचे आ जाता और नल से पानी अपने आप गिरने लगता। उन पानी पूरियों को प्लेट में डालकर सविता ग्राहकों को देती। इस तरह सब कस्टमरों को वो पानी पूरी दे पाए। इस तरह गंगाधर और सविता बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में गंगाधर ने अपने सारा कर्ज चुका दिया। गांव में एक सुंदर सा घर भी बनाया। ये सब देखकर जग्गू, जिससे गंगाधर ने उधार लिया था, ईर्ष्या से जलने लगा। अब तक कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरा उधार चुकाया हो, और इसने न सिर्फ मेरा उधार चुकाया पर घर भी बना लिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये फिर से मुझसे कर्ज ले और इसका घर मेरे पास गिरवी रखे। ऐसा सोचा। अगले दिन जग्गू भाई उस मशीन के पास आया और सबके नजर बचाकर उस पानी पूरी मशीन में उसने जुलाब की गोलियां मिला दी। जग्गू अपने मन में, अब मजा आएगा, अब ये खाकर फिर कोई इसके पास पानी पूरी खाने नहीं आएगा, इसका धंधा ठप हो जाएगा। ऐसा सोचा।
गंगाधर और सविता ने जैसे ही धंधा शुरू किया तो हमेशा की तरह लोग आकर पानी पूरी खाने लगे और जाने लगे। जग्गू भाई हर एक को ध्यान से देखने लगा, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर जग्गू बहुत परेशान हुआ। वो सोचने लगा कि मेरे मिलाई हुई दवाई काम क्यों नहीं कर रही। ठीक है, एक पानी पूरी खाकर देख लेते हैं, किसी को कुछ हुआ नहीं ना, लगता है वो दवाई काम नहीं कर रही। यूं सोचकर उसने कुछ पानी पूरी खाए। बस 2 मिनटों में उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगा। वो अपना पेट पकड़कर आय रे मर गया है भगवान कहकर घर की ओर भागा। वहाँ खड़े लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और जग्गू को हैरान होकर देखने लगे। मनी ट्रक। एक गांव में गंगेश नाम का एक सरकारी वाटर टैंक ड्राइवर हुआ करता था। गंगेश उस गांव के औरतों को आधा टैंक जितना ही पानी देता था। बाकी का आधा होटल वालों को बेच देता था। एक दिन अमरीश नाम का चोरों का नायक गंगेश से मिला। रे गंगेश, बहुत दिनों से तुझ पर गौर कर रहा हूँ। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये बात मुझे समझ आ गई। इसलिए तुम हमसे हाथ मिला लोगे तो बहुत जल्द लखपति बन जाओगे, क्या कहते हो? गंगेश खुशी से, मैं कब से ऐसे ही किसी अवकाश का इंतजार कर रहा था सर। ये पानी बेचते बेचते पीर का खर्चा भी नहीं निकलता, क्या करूं बताइए सर। हमारे डेन में चुराए हुए पैसे बहुत हैं। उन पैसों को बगल वाले गांव के बॉर्डर तक पहुंचाना होगा। वहां से हमारे लोग उन पैसों को कलकत्ता तक लेकर जाएंगे। तुम्हारा गवर्नमेंट वाटर टैंक है, इसलिए चेक पोस्ट पर पुलिस वाले तुम पर बिल्कुल शक नहीं करेंगे। ऐसे करोगे तो तुम्हें हर बार पैसों को सरफरा करने के बदले 5% कमीशन दूंगा। बस इतना ही? वो तो मेरे लिए बहुत आसान काम है सर, लेकिन बात ये है, जब तक मैं पूरा पैसा ट्रांसफर ना करूँ तब तक मैं इस गांव में पानी नहीं दे सकता, क्योंकि वाटर टैंकर खाली रहा तो पुलिस वालों को शक हो सकता है ना। अरे जितना मैंने सोचा तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो, कल ही काम शुरू करो। अगले दिन गंगेश गांव वालों को बिना पानी दिए डायरेक्ट अमरीश के डैन पर गया। चोर पैसों के बंडल को एक प्लास्टिक में डालकर उस वाटर टैंक में डालते गए। गंगेश उस टैंकर ट्रक को लेकर गया। वो गांव के किनारे चेक पोस्ट के पास पहुंचा। एसआई अमरनाथ लाठी से वाटर टैंक को मारकर देखा। गंगेश को नीचे उतरवाकर, क्यों रे, तुम्हें तो पानी इस गांव में सप्लाई करना था ना, फुल टैंक लेकर गांव क्यों पार कर रहे हो? सर पड़ोसी गांव में बहुत ज्यादा पानी की तंगी है सुना है, इसलिए कुछ दिन उस गांव में पानी सप्लाई करने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है सर, इसलिए लेकर जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। गंगेश फिर चले गया। उस ट्रक को बॉर्डर के पास पहुँचाया। वहां कुछ लोग टैंकर से पैसे निकाले। गंगेश पुलिस को शक ना हो इसीलिए उस टैंकर से सारा पानी बाहर ही फेंक दिया। इस तरह गंगेश 2 दिन में एक बार उस वाटर टैंकर को लेकर चेक पोस्ट के पास आता था। अमरनाथ लाठी से टैंक को चेक करके गाड़ी को जाने देता था। एक दिन गंगेश अमरीश के डेन से टैंकर में पैसे लोड कर रहा था। वो टैंकर लेकर जा ही रहा था। इतने में म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर शाम उसके ट्रक को रोका। क्यों रे, 10 दिन से तुम इस गांव में वाटर सप्लाई नहीं किए सुना है? सारे औरतें मेरे ऑफिस आकर कंप्लेंट किए, कर क्या रहे हो पानी का, कहीं बेच रहे हो क्या? छी, वैसे काम मैं नहीं कर सकता हूँ सर, 10 दिन मेरे बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, रोज उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ सर, आज ही ड्यूटी पर आया हूँ।
ठीक है, तुरंत जाकर बस्ती वालों को पानी दो। एक बूंद भी टैंकर में बचा तो तुम पर पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, ध्यान रहे। गंगेश घबराकर बस्ती के पास उस टैंकर को लेकर आया। सारी औरतें घरों में पानी भरने लगी, टैंकर पूरा खाली हो गया। फिर गंगेश उस ट्रक को लेकर चेक पोस्ट के पास गया। अमरनाथ हमेशा की तरह उस टैंकर को लाठी से मारा, उसमें से खाली टैंकर की आवाज आई। तुरंत गंगेश को नीचे उतरवाकर, क्यों रे, तुम पड़ोसी गांव में पानी सप्लाई करने जाने वाले थे ना, तो आज खाली टैंकर क्यों लेकर जा रहे हो रे? गंगेश घबराकर, वो सर, रास्ते पर पानी लीक हो गया लगता है, टैंक खाली हो गया सर। अरे जब तक आपने कहा नहीं मैंने गौर ही नहीं किया। अमरनाथ कांस्टेबल से, तुम जाकर वेल्डिंग मशीन लेकर आओ। गंगेश घबराया। कांस्टेबल वेल्डिंग मशीन लाकर उस टैंकर पर बड़ा सा छेद किया। उसमें से पैसों के बंडल बाहर गिरे। कांस्टेबल उन पैसों को बाहर निकाला। अमरनाथ गंगेश को खूब मारा। क्यों रे, पुलिस वालों को क्या समझा है रे, मैं चोर को यूं ही पहचान लेता हूँ, कहकर फिर से मारा। अमरनाथ फिर गंगेश को अमरीश के गैंग को जेल में डाल दिया। नूडल्स मिनी फैन फूड चैलेंज। विराट नगर नाम के गांव में प्रताप सिंह नाम का एक व्यक्ति लड़की देखने के लिए आया था। उस गांव में उसका एक दोस्त था, नाम था चौटाला। जब वो विराट नगर पहुंचा तो उसके दोस्त चौटाला के साथ साथ बाकी गांव वाले भी बोरे बिस्तरा बांधकर गांव छोड़कर जा रहे थे। ये देखकर प्रताप सिंह, क्या हुआ यार, ये सारे के सारा गांव वाले गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे गांव में अकाल पड़ गया है क्या, या फिर कोई भूत है? अरे यार, हमारे गांव में विचित्र सिंह नाम का एक व्यक्ति है, वो बड़े विचित्र शर्तें लगाता है, जो शर्त हार जाते हैं उनसे पैसे वसूल किए बिना वो नहीं छोड़ता। यूं हम उससे सब कुछ हार कर यहाँ सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। अरे वो क्या शर्त है मुझे बताओ, मैं शर्त जीत कर विचित्र सिंह को हरा कर उसे गाँव से भगा दूंगा। पहले लड़की देखने आया हूँ, वो काम निपटा लें। तब चौटाला अपने साथ ही बोरिया बिस्तरा बांधकर सिर पर लेकर जा रहे एक परिवार को दिखाते हुए, वो देख, वही लड़की है जिसे देखने तू आया है, वो लड़की भी तेरी ही तरह हिम्मत वाली है, उसे हरा कर आती हूँ कहकर वो गई थी, फिर क्या मुंह की खाकर ये देखो गांव छोड़कर जा रही है। उससे जीतना तो हथेली में पानी भरने वाली बात है, वो इतना आसान नहीं है, हार जाओगे। उससे और उसके शर्त से तेरा क्या लेना देना यार, लड़की देखने आए हो, लड़की वाले गांव छोड़कर जा रहे हैं, तू भी चल। यार चौटाला, पहले मुझे उसके पास ले चलो, मैं देखता हूँ कि वो कितना होशियार है। तब चौटाला प्रताप सिंह को लेकर विचित्र सिंह के पास गया। विचित्र सिंह यूं सबको गाते हुए देखकर, हे विराट नगर वासियों, ये क्या आप सब यूं मिलकर मेरे पास क्यों चले आए? अब भी आप लोग मुझसे शर्त लगाकर जीतने की उम्मीद रखते हैं क्या? मेरे शर्त जीतने वाला साहसी अब भी इस गांव में बाकी है क्या? यूं सब कुछ लुटाकर खड़े तुम लोगों को देखकर बड़ा मजा आ रहा है, अब भी तुम में कोई तीस मार खान बचा है तो आओ शर्त लगाओ, यही मेरा सबको ओपन चैलेंज है। तब भीड़ में से प्रताप सिंह, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाना चाहता हूँ, यदि तुम अपनी जुबान के पक्के हो और अगर मैं शर्त जीत गया तो इस पैलेस के साथ साथ सारे गांव वालों को उनकी संपत्ति लौटानी होगी, बोलो मंजूर है? अरे ये कार्टून नमूना कौन है, लगता है कि बेचारे को मेरे बारे में और मेरे शर्त के बारे में नहीं पता। अरे उसे कोई समझाओ, वैसे सब कुछ लौटाना हो तो पहले तुम्हें शर्त जीतना होगा ना, जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरी शर्त ही वैसी है, जो मेरे 3 कप गर्मा गर्म नूडल्स खा लेगा उसे मैं अपना पैलेस दे दूंगा। पर कमबख्त कोई जीतता ही नहीं, क्योंकि पहले कप खाने की कोशिश में ही मुंह जलाकर चेहरा जलाकर कपड़ों के ऊपर गिराकर रह जाते हैं। इतना कहने के बाद भी अगर तुम में हिम्मत है तो चलो शर्त लगाते हैं। मंजूर है, कल ही होगा, वो भी गांव वालों के समक्ष में। मुझे मंजूर है, लोगों के समक्ष में ही होने दो, वैसे भी लोग बहुत दुखी हैं, तुम्हें हारते हुए देखकर उनका भी मन बहल जाएगा। गांव वाले
प्रताप सिंह से, बेटा तुम क्यों उससे पंगे ले रहे हो? वो धोखेबाज है, तुम उससे क्यों भिड़ रहे हो? तुम भी हमारी तरह सब कुछ गंवा दोगे, कहकर उसे रोका। चिंता ना करें, मुझ पर भरोसा कीजिए, हम सबका भला होगा, कहकर अगले दिन शर्त के लिए तैयार हुआ। प्रताप सिंह के सामने 3 कप गर्मा गर्म नूडल्स रखा गया, उनमें से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर प्रताप सिंह, मैं इसे मेरे खुद के बनाए हुए चम्मच से खाऊंगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, कोशिश कर लो। कहते ही प्रताप सिंह ने अपने जेब से चॉपस्टिक्स निकाला, उसके साथ एक बैटरी लगा हुआ था जो एक मिनी पंखे के साथ जुड़ा हुआ था। वो पंखा बैटरी की मदद से घूम रहा था, उस पंखे की हवा से नूडल्स ठंडे होने लगे। इस तरह प्रताप सिंह वो सारा नूडल्स आराम से खा गया। ये देखकर गांव वाले, वाह प्रताप सिंह बहुत बढ़िया, ये धोखेबाज विचित्र सिंह तुम्हारे हाथों शर्त हार गया है। हार गया शर्त कमबख्त, अपना प्रताप सिंह जीत गया, अब अपने खेत खलिहान सब अपना ही है। यूं शर्त हार कर विचित्र सिंह पैलेस खेत सब कुछ छोड़कर गांव छोड़कर चला गया। प्रताप सिंह उस गांव की लड़की से शादी करके खुशी खुशी गांव के पैलेस में रहने लगा। फ्राइड पॉपकॉर्न। एक गांव में तोताराम नाम का एक छोटा सा व्यापारी रहता था। वो उनके गाड़ी पर स्कूल के आगे पॉपकॉर्न बेचता था। स्कूल के सब बच्चों से तोताराम बहुत दोस्ती से रहता था। उसके पास पॉपकॉर्न खाने के लिए आए हुए बच्चों को छोटे छोटे कहानियां बताकर उनको हंसाता था। बच्चे भी तोताराम को बहुत पसंद करते थे। एक दिन तोताराम के गाड़ी के पास पॉपकॉर्न खाने के लिए कोई भी बच्चे नहीं आए थे। तब तोताराम आश्चर्य हो गया। तोताराम मन में, शायद बच्चों का एग्जाम्स हो रहा है, सोचा। ऐसा ही 10 दिन बीत गए, एक भी बच्चा उसके गाड़ी के पास क्यों नहीं आ रहे थे समझ नहीं पाया। फिर तोताराम ने बच्चे स्कूल से बाहर जाते समय सोनू नाम का बच्चा को बुलाकर, अरे सोनू, तुम हर रोज मुझसे पॉपकॉर्न खरीदते थे, लेकिन तुम तो आना ही बंद कर दिए। तुम ही नहीं, दूसरे बच्चे भी 10 दिन से मेरे पास कोई भी पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ सोनू, मेरा पॉपकॉर्न अच्छा नहीं है क्या? तुम सबके सामने ही ताज़ा ताज़ा तैयार करता हूँ ना, कहा। तब सोनू, ऐसा कुछ भी नहीं अंकल, आप जो तैयार करते हो वो पॉपकॉर्न बहुत अच्छा रहता है। तोताराम, फिर क्या बात है, आप लोग क्यों मेरे पास नहीं आ रहे हो, कहकर पूछा। तब सोनू, आपके पास मिलने वाला पॉपकॉर्न हमेशा एक ही टेस्ट होता है, कहा। तब तोताराम, ये क्या, पॉपकॉर्न का और दूसरा टेस्ट कैसा आएगा, कहा। तब सोनू सर पकड़कर, अरे अंकल, आपको असल में कुछ भी पता नहीं है इसलिए ऐसे पूछ रहे हो। बगल वाले गांव में नया शॉपिंग मॉल खुला है, उधर कितने सारे रंग बिरंगे पॉपकॉर्न है पता है? एक एक रंगे का पॉपकॉर्न अलग अलग फ्लेवर में होता है। सबसे ज्यादा ग्रीन पॉपकॉर्न बहुत अच्छा रहता है, हम सब वहाँ से खरीद रहे हैं इसलिए आपके पास ले आ रहे हैं, कहा। तब तोताराम सोच में पड़ गया, फिर ये रंग बिरंगे पॉपकॉर्न कैसा है देखने के लिए बगल वाले गाँव के नया शॉपिंग मॉल में गया। वहाँ पर रंग बिरंगे पॉपकॉर्न को देखकर बहुत हैरान हो गया। सब रंग के पॉपकॉर्न का स्वाद पता करना है, सोचा। फिर 100 रुपए ले जाकर उस पॉपकॉर्न बेचने वाले के हाथ में रखा, फिर उससे, बाबू सब रंग के पॉपकॉर्न मिलाकर एक पैकेट दो, कहा। तब वो लड़का जोर से हंसकर, देखने से तो तुम टाइम मशीन से आए हो लग रहा है, एक एक पैकेट 100 रुपए है, कहा। तब तोताराम, क्या एक पैकेट 100 रुपए है? मैं भी पॉपकॉर्न का व्यापार करता हूँ, मैं अभी भी एक पैकेट 10 रुपए में ही बेचता हूँ, 100 रुपए में पैकेट बेचने के लिए इसमें क्या है, कहा। तब वो लड़का, मेरा टाइम वेस्ट किए बिना तुम्हें कौन सा कलर का पॉपकॉर्न चाहिए बताओ, नहीं तो तुम्हारे पैसे लेकर बाजू में हट जाओ, कहा। तब तोताराम, मुझे एक ग्रीन कलर का पॉपकॉर्न दे दो, कहा। फिर तोताराम ने उस ग्रीन कलर पॉपकॉर्न को खाया। फिर, अरे ऐसा वाला पॉपकॉर्न को मैं भी तैयार कर सकता हूँ, सोचा। अगले दिन तोताराम ने स्कूल के सामने ग्रीन पॉपकॉर्न नाम का बोर्ड लगाकर उसके गाड़ी पर बैठा।
ग्रीन पॉपकॉर्न बोर्ड देखते ही सब बच्चे तोताराम के गाड़ी के पास आए। तब तोताराम, आज आप सबके सामने ग्रीन पॉपकॉर्न तैयार करने वाला हूँ, कहा और फिर एक बड़ा सा स्प्राइट का बॉटल बाहर निकाला, उसका ढक्कन खोलकर पॉपकॉर्न तैयार करने वाला बर्तन में रखा। सब बच्चे स्प्राइट बॉटल के साथ क्या होने वाला है कहकर हैरान होकर देखने लगे। फिर तोताराम ने एक पिपरमिंट लेकर उस स्प्राइट बॉटल में डाला, फिर उस स्प्राइट बॉटल से स्प्राइट निकालकर पॉपकॉर्न के बर्तन में गिर गया। तोताराम बर्तन को गर्म करके पॉपकॉर्न बनाने लगा। थोड़ी देर के बाद टुप 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 करके ग्रीन कलर पॉपकॉर्न बाहर आने लगा। वो देखकर सब बच्चों ने तालियां बजाए। फिर तोताराम सब बच्चों को ग्रीन कलर स्प्राइट पॉपकॉर्न दिया। फिर सब लोग खुशी से उस स्प्राइट पॉपकॉर्न को खाए। तब सोनू, अंकल ये स्प्राइट पॉपकॉर्न बहुत अच्छा है, उस शॉपिंग मॉल में मिलने वाला पॉपकॉर्न से भी ज्यादा ये अच्छा है, ये लो अंकल 100 रुपए, कह कर दिया। तब तोताराम, देखा बच्चों, इस ग्रीन पॉपकॉर्न बनाना कितना आसान है, मैं लालची नहीं हूँ, स्प्राइट पॉपकॉर्न का दाम अब से 20 रुपए ही है, कहा। तब सब बच्चों ने खुशी से तालियां बजाए। फिर उस दिन से सब बच्चे पहले के जैसे तोताराम से पॉपकॉर्न खरीद कर खाने लगे। स्ट्रीट फूड। शिरोल नाम के गांव में झांसी नाम की एक औरत अपने बेटे पवन के साथ एक होटल चलाती थी। उसके होटल के सामने जगन नाम का एक व्यक्ति एक मटन की दुकान चलाता था। एक दिन गांव का सरपंच बोस मटन शॉप पर आया। क्यों जग्गू भाई, कैसे हो? बहुत दिन हो गए तुम्हारे मटन को खाए हुए। तब जगन की पत्नी राधा, क्यों भैया, मेरे पति का मटन कह रहे हो, कहीं उनको काट कर खाने वाले तो नहीं हो ना? अरे चुप रहो बहन, लोग सुनेंगे तो सोचेंगे कि ये सरपंच बहुत कमीना आदमी है। अरे राधा तुम चुप रहो, सरपंच जी के लिए 1 किलो मटन देना। क्यों जगन, तुम्हारी पत्नी बड़े गुस्से में है, तुम घर पर पैसे नहीं देते हो क्या? तब मटन लाते हुए राधा, हाँ हाँ देता है, थैली भर भर कर देता है, वो देखो वो सामने जो होटल चला रही है झांसी, वो हमसे ज्यादा कमाती है। अच्छा तो तुम्हारी नजरें वहाँ टिकी हैं। देखो बहन, उसका पति नहीं है फिर भी अपने बेटे के साथ एक छोटा सा होटल चला रही है। ऊपर से इस सारे गांव में यही एक होटल है और उसके पास खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक होटल है, लेकिन मटन शॉप गांव में बहुत सारे हैं, इसीलिए हमें वो होटल चाहिए। अगर आपने वो होटल हमें दिला दिया तो हम हर महीने आपको मामूल भी देंगे। पर ये तो अन्याय है। अन्याय वन्याय कुछ नहीं है, हर हफ्ते आकर मुफ्त में मटन लेकर जाते हो ना, चुपचाप वो होटल हमें दिलाते हो या नहीं, वरना मुझे पता है उसे कैसे हासिल करना है। अरे तैश में मत आओ, वैसे तुम कह रहे हो ना कि मुझे मामूल दोगे तो समझो वो होटल तुम्हारा है। यूं कुछ दिनों बाद सरपंच झांसी के पास गया और देखो बहन, तुम्हें जो लीज का टाइम दिया था वो पूरा हो चुका है, अब तुम्हें ये होटल खाली करना होगा। पर ये क्या सरपंच जी, मैं तो हर महीने ठीक ठीक किराया दे रही हूँ ना, वो लीज के पैसे कितने हैं जरा बताइए, मैं भर देती हूँ। देखो बहन, सरकार का ये नियम है किसी एक को ही बार बार लीज में नहीं देना चाहिए, इसीलिए इस बार वो मटन शॉप वाले जगन को दिया है लीज में। ये सुनकर पवन, माँ मैं समझ गया, राधा से पैसे लेकर सरपंच ने ये होटल उन्हें दे दिया है, हम इसे खाली नहीं करेंगे, जो करना हो कर लेना। अरे इतने से हो और मुझे रिश्वतखोर कहते हो और कहते हो कि खाली नहीं करोगे, अरे बच्चू देखते जाओ तुमसे मैं खाली कैसे कराता हूँ, कहकर चला गया। उस दिन रात को अपने आदमियों से कहकर झांसी के होटल को आग लगा दी। अपने होटल को बर्बाद होते हुए देखकर झांसी और पवन रो रहे थे कि तभी झांसी का भाई प्रशांत वहां पहुंचा। प्रशांत से झांसी, भैया सब कुछ बर्बाद हो गया, जो मेहनत से कमाए थे पैसे सब कुछ राख हो गया। यूं दुखी हो रही थी, दीदी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए एक होटल तैयार करता हूँ। यूं गांव के बाहर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्रम को 2 हिस्से में काटा और उनसे चूल्हा बनाया और एक रेस्टोरेंट को खड़ा किया। ये देखकर झांसी, रे भैया ये तो बहुत बढ़िया है, अरे एक चूल्हे में इडली डोसा बनाएंगे और दूसरे चूल्हे में मटन चिकन वगैरह बना सकते हैं।
अब शहरों में सब ऐसा ही करते हैं दीदी, वहाँ पर लोग इसे स्ट्रीट फूड कहते हैं। अब तुम्हें किसी कमीनी से डरने की जरूरत नहीं है, ये जमीन भी तुम्हारी है, तुम्हारे नाम पर परसों ही मैंने इसे खरीदा है, अब शुरू करो अपना स्ट्रीट फूड। देर किस बात की दीदी, तब सब मिलकर स्ट्रीट फूड चलाने लगे, लोग दूर दराज से आकर वहाँ पर चिकन मटन सब खाने लगे। एक ग्राहक ने झांसी से, दीदी तुम्हारा ये स्ट्रीट फूड का सेटअप बहुत बढ़िया है, एकदम ढाबा स्टाइल में बड़े सिंपल बनाया है आपने, मैं अपने दोस्तों को भी यहीं भेजूंगा। अच्छी बात है भैया, बहुत खुशी हुई। इस तरह आसपास के गांवों में भी झांसी का स्ट्रीट फूड बहुत मशहूर हो गया। राधा के होटल में जगन और राधा दोनों खाली बैठे थे, तब सरपंच बोस वहां आया और, अरे ये क्या, होटल में कम से कम मक्खी भी नहीं है। अरे जब तुम्हारी मटन की दुकान थी तब कम से कम थोड़ा बहुत तो ठीक था, कम चार मक्खियां तो मंडराती थी, अब तो उन्होंने मटन का बिजनेस भी शुरू कर दिया है, वो भी तुम्हारे हाथ से गया, सारे गांव वाले उस स्ट्रीट फूड के पास ही जा रहे हैं खाने के लिए। अगर सब वहाँ चले गए तो हम चुप बैठेंगे क्या, उसको भी उड़ा देंगे, तब लोग झक मार कर यहीं आएंगे। मैंने आज रात को ही उस स्ट्रीट फूड को तबाह करने का मुहूर्त निकाला है। यूं उस रात को कुछ लोगों को साथ देकर जगन, राधा और बोस स्ट्रीट फूड के पास पहुँचे, वहाँ जाकर उसे आग लगाने ही वाले थे कि वहाँ पहरा दे रहे चार कुत्ते उन पर टूट पड़े। तब दौड़ती हुई राधा, अरे ये कुत्ते कहाँ से आ गए, अरे कोई इसे मारो, मारो इसे। अरे कैसे मारे, अरे ये कुत्ते यहाँ के चिकन और मटन खाकर इनके वफादार बन गए, अब उनके खाने को बिगाड़ने आओगे तो वो चुप रहेंगे क्या, तुमने क्या उन कुत्तों को झांसी समझा है जो चुपचाप रोते हुए चले जाएंगे, अब यदि हम यहाँ से ना भागे तो ये हमें काट कर बोटी बोटी नोच डालेंगे। तब उन कुत्तों ने इन्हें काट कर इन्हें वहाँ से भगा दिया। बस तब से इन्होंने स्ट्रीट फूड की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। स्ट्रीट फूड का बिजनेस खूब अच्छी तरह चलने लगा।